हेलो फ्रेंड्स, तो लोकी के एपिसोड 5 को देखकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई अब एपिसोड 6 के अंदर क्या होगा। और लोगों ने बहुत सारे सवाल भी पूछे मेरे को जब मैंने एपिसोड 5 का ब्रेकडाउन किया, तो उसके कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने भर भर के सवाल पूछे, जिसका मैंने अधिकतर लोगों को जवाब भी दिया, लेकिन शायद आप लोग सेटिस्फाइड नहीं थे या फिर उतने, मतलब भाई उतना लंबा तो नहीं लिख सकता मैं, एक लिमिट में ही लिख सकता हूँ। तो दोस्तों आओ एपिसोड 6 से रिलेटेड थोड़ी बातें करते हैं और 3 सवालों के जवाब दूंगा मैं आप लोगों को, जो कि आप लोगों के मन में कंटिन्यूअसली अभी तक घूम रहे होंगे। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को 2 दिन पहले ही मिलने वाली थी, लेकिन यार 2 दिनों से तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, तो इसलिए वॉइस भी थोड़ी अलग लग सकती है, तो मैनेज कर लेना। तो चलो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, 3 सवालों का जवाब दूंगा। देखो जो सबसे पहला सवाल लोगों के मन में है वो ये है कि भाई सीजन 2 के स्टार्टिंग में जब लोकी टाइम स्लिप कर रहा था तो असल में वो टाइम ट्रैवल कर रहा था, और जब वो पास्ट के अंदर ट्रैवल कर रहा था तो हमें उसका एक पास्ट वर्जन भी देखने को मिल रहा था, और इवन फ्यूचर में भी अगर ट्रैवल वो कर रहा था तो वहां पे उसका एक फ्यूचर वर्जन भी अवेलेबल था। लेकिन एपिसोड 5 के एंड होते होते जो टाइम स्लिप वाला प्रोसेस था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। तो ये सबसे पहला सवाल था लोगों का। फिर उसके बाद जो दूसरा सवाल है लोगों का वो ये है कि क्या लोकी ने ही टीवीए की टीम बनाई थी, और अगर बनाई है तो अब जब वो पास्ट में ट्रैवल कर गया है तो अब पास्ट में वो सब कुछ ठीक तो कर ही देगा, मतलब होप्स हो कि सब कुछ ठीक हो जाए एपिसोड 6 के अंदर। लेकिन फिर भी एपिसोड 5 के अंदर हमने जो कुछ भी देखा है तो क्या उसके हिसाब से लोकी ने ही टीवीए की शुरुआत की थी, ये दूसरा सवाल लोगों के अंदर है। इनफैक्ट कि मैंने ब्रेकडाउन वाले वीडियो में इसका आंसर दिया था, लेकिन लोगों को शायद अच्छे से समझ नहीं आया, तो इसको और अच्छे से डीपली मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और इसके बाद जो तीसरा सवाल है लोगों का वो ये है कि भाई क्या एपिसोड 6 के अंदर हमें कैंग द कॉन्करर, मतलब कि ही यू रिमेंस दोबारा से देखने को मिलेगा, और अगर ही यू रिमेंस दोबारा से देखने को मिल जाता है तो फिर आगे क्या होगा, क्या लोकी ही ह्यू रिमेंस बनेगा या फिर लोकी ने ही ह्यू रिमेंस को, मतलब कि वो जो विक्टर टाइमली है उसको ही ह्यू रिमेंस बनाकर एक पपेट की तरह यूज किया ताकि आगे जाकर ये लूप उसी तरह से चलता रहे। लोगों के मन में ऐसे ऐसे सवाल आ रहे हैं भाई, और देखो ये सवाल वैलिड है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सवाल भी है, लेकिन इसके आंसर्स उतने ही ज़्यादा सिंपल हैं। तो एक एक करके सारे आंसर्स देता हूँ मैं, क्वेश्चंस बता दिए, तो चलो अब एक एक करके सभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि लोकी एपिसोड 6 के अंदर आगे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, लोकी का टाइम ट्रेवल किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों देखो सीजन 2 की शुरुआत में जिस तरह का टाइम स्लिप लोकी कर रहा था, और एपिसोड 5 तक भी, एपिसोड 5 के शुरुआत तक भी जिस तरह का टाइम स्लिप वो कर रहा था, वो असल में टाइम ट्रेवल हो रहा था उसके साथ, ठीक है, क्योंकि उसने टाइम स्लिप को कंट्रोल करना नहीं सीखा था अभी तक, और इसलिए वो जो टाइम ट्रेवल वो कर रहा था तो उसमें वो क्या है कि पास्ट में चला जा रहा था और पास्ट वाली चीजें फिर से उसके साथ हो रही थी, वहां उसके 2 वर्जन्स मौजूद थे। लेकिन अब एपिसोड 5 के अंदर क्योंकि वो सब कुछ समझ गया है, सब कुछ जान गया है, टाइम स्लिप को अच्छे से कंट्रोल करना सीख गया है, तो भाई ये जो टाइम ट्रैवल और टाइम स्लिप है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहले जो लोकी के साथ हो रहा था वो क्या हो रहा था, वो बस टाइम में पीछे चला जा रहा था इन टाइमलाइंस की वजह से, और फिर वो उसी जिंदगी को फिर से देख रहा था, और बस वो वहां जाकर वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जा रहा था। ऐसा नहीं कि वहां चला गया तो भाई वहीं रह गया, वो पास्ट में जा रहा था, 1 से 2 मिनट तक वहां पे रह रहा था, और फिर वापस उसी प्रेजेंट टाइमलाइन में आ जा रहा था जहां से वो पास्ट में गया था, या फिर जहां से वो फ्यूचर में गया था, तो फ्यूचर में भी गया तो 1-2 मिनट तक वहां रहा और फिर से उसी टाइम पे आ गया जहां से उसने टाइम ट्रैवल किया था। तो भाई ये हो गया टाइम ट्रैवल जो वो अभी तक कर रहा था। लेकिन अब जब उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, अब पूरा कमान ले लिया है इसके ऊपर, तो अब जो वो कर रहा है वो टाइम स्लिप है। अब टाइम स्लिप का मतलब यह है कि एक बार जब वो कुछ सोच रहा है कि भाई मेरे को इस टाइमलाइन में जाना है, मतलब कि अब मेरे को एपिसोड 4 वाले टाइमलाइन में वापस से जाना है, तो अब वो सोच लिया और उसने टाइम स्लिप किया। ये जो एपिसोड 5 के अंदर वो एपिसोड 4 वाले टाइमलाइन में पहुंचा ना, तो यहां पे उसने टाइम ट्रैवल नहीं किया, यहां पे क्या हुआ कि वो उस वक्त में दोबारा से, मतलब रीसेट हो गया, समझे, वो रीसेट हो गया एपिसोड 4 वाले टाइमलाइन में, ठीक है। अब यार मेरे को पता है कि तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ, एग्जाम्पल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखो अभी 1 से 1.5 महीने पहले ना एक मूवी आई थी, 57 सेकेंड्स, टाइम ट्रैवल के ऊपर ही मूवी थी। उसका कॉन्सेप्ट क्या था मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको एक अंगूठी मिलती है, ठीक है। अब अंगूठी जो होती है वो असल में टाइम स्लिप ही करवाती है लोगों को, टाइम ट्रैवल नहीं, टाइम स्लिप। उसके अंदर क्या होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है और उसे जो अंगूठी मिलती है, तो जब भी वो अंगूठी को टच करता है ना, तो वो टाइम में 57 सेकंड्स पीछे चला जाता है। जब भी वो उसको टच करता है तो 57 सेकंड्स पीछे चला जाता है, लेकिन असल में वो टाइम ट्रैवल नहीं करता। 57 सेकंड्स के लिए दुनिया जो है फिर से रीसेट हो जाती है उसके लिए, मतलब कि मान लो कि जैसे उसमें एक सीन होता है कि अब जब उसके अंदर
ये कला आ चुकी है उसको, जब ये अंगूठी मिल चुकी है, तो वो क्या करता है कि कसीनो में जाता है, ठीक है। और कसीनो में वो नंबर्स होते हैं ना कि जो नंबर बताओगे अगर वो नंबर आ गया तो तुम पैसे जीत जाओगे। तो वो जाता था किसी भी एक रैंडम नंबर पे पैसे लगाता था और फिर देखता था कि कौन सा नंबर आ रहा है। मान लो कि फॉर एग्जांपल जो भी नंबर आया 21 या 22, तो उस नंबर को उसने देख लिया। अब देखो पहली बार में वो हार गया है, जो नंबर उसने बताया वो नंबर नहीं आया, लेकिन क्योंकि अब उसको नंबर पता चल चुका है कि ये नंबर आने वाला है, तो वो क्या करता है अपनी अंगूठी को टच करता है और टाइम में 57 सेकंड्स पीछे चला जाता है। तो क्या होता है कि वो जो 57 सेकंड्स पीछे जब वो जाता है ना, तो दुनिया 57 सेकंड्स पीछे से फिर से स्टार्ट होती है उसके लिए। समझ लो पूरी दुनिया नहीं, पूरा यूनिवर्स ही उसके लिए 57 सेकंड्स पीछे से दोबारा से स्टार्ट होता है। तो एक तरीके से वो टाइम ट्रेवल नहीं कर रहा होता 57 सेकंड्स के लिए, उसके अलावा पूरी दुनिया पूरा यूनिवर्स ही 57 सेकंड्स पीछे चला जाता है और वो सारी चीजें फिर से होती है जो कि अभी तक हुई थी। तो ठीक है, अब जब उसको पता चल गया कि हाँ ये नंबर है, 57 सेकंड्स वो पीछे चला गया और फिर वहां से उसने बता दिया कि हाँ ये नंबर, और उसको पता है कि वही नंबर आने वाला है, तो वो नंबर आ गया और वो जीत गया पैसे। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट उसमें दिखाया गया ना 57 सेकंड्स मूवी में, वैसे मूवी अच्छी है, चाहो तो देख सकते हो, जाकर नेटफ्लिक्स में अवेलेबल होगी। तो सेम चीज यहाँ लोकी के साथ भी है। तो लोकी अब जब जो कला उसने, लोकी को जब कमांड आ गई है ना इस कला के ऊपर, तो अब जब वो पास्ट वाले टाइमलाइन में गया ना दोबारा से, जब विक्टर टाइमली उस लूम में जाने वाला था, तो अब जब वो उस टाइमलाइन में टाइम स्लिप करके गया, तो असल में उसने टाइम ट्रैवल नहीं किया है, वहां से अभी तक जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीजें रीसेट हो गई है, ठीक है, सारी चीजें रीसेट हो गई है। तो इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि अभी तक एपिसोड 5 में जो कुछ हुआ ना, वो असल में समझ लो कि कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, इसको एक फिलर ही आप लोग समझ लो, फिलर ही समझ लो। क्योंकि एपिसोड 4 के टाइमलाइन में जब लोकी फिर से पहुंच गया है ना, तो अब एपिसोड 5 में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ समझ लो कि हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ, रीसेट हो गई है चीजें फिर से एपिसोड 4 तक, ठीक है, उसी एंडिंग के पास। और अब लोकी क्या करेगा, जो भी ये सब तो मैंने बताया ही था कि अब लोकी फिर से उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अगर फिर से खराब हो गई तो वो फिर से अपने उस टाइम स्लिप करने की कोशिश करेगा और फिर से जब वो पास्ट में पहुंचेगा ना, तो फिर से वो सारी चीज़ें भी रीसेट हो जाएंगी, टाइम ट्रैवल नहीं, रीसेट हो जाएंगी चीज़ें, समझे। तो असल में ये जो हमने अभी तक देखा है ना एपिसोड 5 में, वो चीज़ समझ लो कि हुई ही नहीं, वो हुई थी लेकिन अब जब क्योंकि लोकी ने टाइम स्लिप करके पास्ट में चला गया है वो, तो अब वो सारी चीज़ें रीसेट हो गई और उन सारी चीज़ों का मतलब ही नहीं रहा, समझ लो कि एपिसोड 5 का मतलब रहा ही नहीं अब, ठीक है, क्योंकि अब उसने सारी चीज़ों को रीसेट कर दिया है एपिसोड 4 की तरफ। आई होप सो कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। तो भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहां पे लोगों ने पूछा है कि क्या लोकी ने ही टीवीए की शुरुआत की थी, क्या उसने ही असेंबल किया था सबको। तो भाई हाँ, एपिसोड 5 के हिसाब से हाँ, लेकिन नहीं, इसका जवाब आपको क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में ही मिल गया है। देखो अभी मैंने क्या बताया क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में, कि लोकी एपिसोड 4 तक रीसेट हो गया है, ठीक है, जिसका मतलब एपिसोड 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर एपिसोड 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो लोकी ने वो जो टीम बनाई थी सब लोगों को, वो सारी चीज़ें वैनिश हो चुकी हैं, सारी चीज़ें वैनिश हो चुकी हैं, क्योंकि अब वो टाइम स्लिप करके एपिसोड 4 में आ गया। तो ये जो एपिसोड 5 के अंदर वो था ना, वो अब ख़त्म हो गई और वो फिर से उसी पास्ट में पहुंच गया है, और अब पास्ट में पहुंच कर वो जो कुछ भी करेगा उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो असल में लोकी ने एपिसोड 5 के अंदर टीम बनाई थी, लेकिन भाई एपिसोड 5 के अंदर वो टीम तो बनाया उसने, लेकिन क्या वो उस टीम को टीवीए में लेकर जा सका, नहीं ना। और जब तक वो टीवीए में लेकर जाएगा नहीं उन लोगों को, तो टीवीए की टीम क्या खाक बनेगी। अब बोलोगे कि नहीं भाई, लोकी तो टाइम ट्रैवल करके पीछे चला गया ना, तो उन लोगों ने मिलकर ही टीवीए का क्रिएशन कर लिया होगा। भाई फिर से वही बात, लोकी ने टाइम ट्रैवल नहीं किया ना, लोकी ने तो टाइम स्लिप किया, तो लोकी ने असल में सारी चीज़ें रीसेट कर दी। तो वो जो उन लोगों के साथ हुआ ना, वो कभी हुआ ही नहीं। असल में ही हू रिमेंस ने, या फिर रवोना ने ही टीवीए की शुरुआत की थी। ही हू रिमेंस और रवोना ने मिलकर ही टीवीए की शुरुआत की होगी एपिसोड 4 से, हम लोगों को पता है। तो असल में कैंग ने ही शुरुआत की थी इसकी, ठीक है, ही हू रिमेंस ने ही शुरुआत की थी, और एपिसोड 5 में एक अलग तरीके से वो सारी चीज़ें फिर से हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि लोकी ने टाइम स्लिप करके सब कुछ रीसेट कर दिया है, तो जो चीज़ें अभी तक हमने देखी एपिसोड 5 के अंदर, वो हुई ही नहीं। जिसका मतलब है कि लोकी कभी मॉबियस के पास, हंटर B15 के पास, या फिर कैसी के पास कभी गया ही नहीं, उनको यूनाइट किया ही नहीं, और उनकी टीम बनाई ही नहीं। तो असल में लोकी ने टीवीए का क्रिएशन नहीं किया है, लोकी का क्रिएशन ही हू रिमेंस ने ही किया है, ठीक है।
तो यार मेरी सांस फूल रही है क्योंकि थोड़ी तबीयत खराब चल रही है ना, बोल नहीं पा रहा अच्छे से। लेकिन आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहां आप लोगों ने पूछा है कि क्या ही यू रिमेंस हमें एपिसोड 6 में, मतलब कि लास्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो भाई इसका आंसर है कि हाँ, देखने को मिल सकता है। और इसके ऊपर देखो मैं कोई आप लोगों को लीक नहीं बता सकता क्योंकि लीक है नहीं इसके ऊपर, रहती भी तो शायद मैं स्पॉइल नहीं करता। लेकिन देखो इसके ऊपर थियरी ही डिस्कस हम लोग कर सकते हैं कि ही रिमेंस दिख सकता है, और अगर दिख सकता है तो कैसे दिख सकता है। तो देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि ये जो एपिसोड 4 के टाइमलाइन में लोकी टाइम स्लिप करके गया है ना, तो उसने बार बार कोशिश की होगी उसको ठीक करने की, और जब विक्टर टाइमली से भी चीज़ें ठीक नहीं हुई तो लोकी ने सोचा होगा कि यार मैं खुद ही चला जाता हूँ क्योंकि मैं तो स्पेगेटिफाई होऊंगा नहीं। तो अब लोकी भी जाने की कोशिश करेगा, ठीक करने की कोशिश करेगा। लेकिन मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, मे बी बहुत कम चांसेस है, लेकिन मे बी ऐसा हो सकता है कि लोकी भी वो सारी चीज़ें ना कर पाए, मतलब लोकी भी ठीक करने की कोशिश करे उस टेम्पोरल लूम को, लेकिन फिर भी चीज़ें बिगड़ ही जाए। और इन सारी चीज़ों को बार बार परफॉर्म करने के बाद, मतलब अनगिनत बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, बार बार लोकी इस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन बार बार वो फेल हो जाएगा, आई थिंक सो। और जब वो बार बार फेल हो जाएगा ना, तब शायद उसको रियलाइजेशन होगा कि भाई ये सारी चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसको अगर कोई ठीक कर सकता है, सब कुछ पहले जैसा अगर कोई कर सकता है तो वो है ही हू रिमेंस। लेकिन ही हू रिमेंस तो मर चुका है, तो भाई लोकी क्या करेगा कि वो फिर से टाइम स्लिप करेगा। वो बहुत ही बड़ा फैसला लेगा कि अब मैं टाइम स्लिप करके बहुत पीछे जाऊंगा, एपिसोड 6 में चला जाऊंगा सीजन 1 के, और वहां जाकर सिल्वी को रोकने की कोशिश करूंगा। ये चीज़ लोकी कर सकता है। और भाई अगर ऐसा हुआ तो भाई देखो, टाइम स्लिप करके वो एपिसोड 6 में चला जाएगा, सीजन 1 के एपिसोड 6 में, ठीक है। अगर टाइम स्लिप करके लोकी वहां चला गया तो इसका मतलब ये है कि अभी तक सीजन 2 में हमने जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी, वो सारी चीज़ें रीसेट हो जाएंगी, जिसका मतलब ये है सीजन 2 का कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर। जो भी हमने सीजन 2 के अंदर अभी तक देखा है या फिर जो देखेंगे, वो सारी चीज़ें बैनिश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, मतलब कि रीसेट हो जाएंगी, और लोकी फिर से पहुंच जाएगा सीजन 1 के टाइम पे, और उस टाइम पे पहुंचेगा जब सिल्वी लोग उसको ही रिमेंस को मारने वाली थी, और वो सिल्वी को रोक देगा किसी तरीके से और ही रिमेंस को बचा लेगा। एंड दोस्तों इट्स पॉसिबल कि ये सब कुछ ही रिमेंस के वजह से ही हुआ है। देखो ही रिमेंस ने सीजन 1 में भी कहा था कि भाई तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो मेरी बदौलत, अगर तुम यहाँ पे खड़े हो मेरे सामने तो मेरी बदौलत। By the lake, every step you took to get here, I paved the road. I paved the road. You just walked down it. You just walked down it. तो ये चीज़ क्लियरली उसने सीजन 1 में कही थी। और अगर आप लोग नोटिस करोगे तो एपिसोड 5 की जब शुरुआत हुई थी ना, तो वो वाला सीन हमें एज अ रिकैप दिखाया गया था। तो भाई उसी सीन को क्यों दिखाया गया एज अ रिकैप, सीजन 1 वाली चीज़ों को क्यों दिखाया जाएगा। तो हो सकता है कि मार्वल यहाँ पे हिंट दे रहा था कि ये सारी चीज़ें अभी तक जो कुछ भी हो रही है वो ही हू रिमेंस के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है अभी तक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि लोकी जब टाइम स्लिप करके, अगर ऐसा होता है, थियरी ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, कि अगर लोकी टाइम स्लिप करके फिर से सीजन 1 के टाइम पे पहुंच जाता है, तो हो सकता है कि जब वो सिल्वी को रोकेगा ना, और लोकी की हालत जब देखेगा वो, देखो एक तरफ से तो सिल्वी उसको टाइम डोर से पीछे फेंक चुकी है, ठीक है। हो सकता है कि जब लोकी वहां से फेंकाएगा तो दूसरे तरफ से लोकी एंटर कर जाए, और वहां पे जब दोबारा लोकी आएगा और उसके हाव भाव जब अलग रहेंगे पिछले वाले लोकी से, तो ही हू रिमेंस समझ जाएगा कि भाई जो मैंने प्लान बनाया था सक्सेसफुल हो चुका है, सिल्वी ने मुझे मार दिया है, और मेरे मरने के बाद लोकी ने सारे कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए हैं। और इसलिए हो सकता है कि ही हू रिमेंस उससे पूछे कि लोकी तुमने सब कुछ तो देख ही लिया होगा, मैं जानता हूँ कि तुम फ्यूचर से यहाँ आए हो, तो अब तुम बताओ क्या मैं गलत हूँ। जिस पर लोकी कहेगा कि नहीं, तुम सही थे, और फिर लोकी उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाएगा। एंड फिर होगा ये कि लोकी अल्टीमेट किंग बनेगा उसके बाद, मतलब कि नेक्स्ट ही हू रिमेंस बनेगा वो, मतलब कि यहाँ पे वो जो थियरी चल रही है ना कि लोकी ने ही हू रिमेंस को पपेट बनाया, भाई फालतू बातें ये, ठीक है। जो लोग ये बोल रहे हैं, एक दो यूट्यूबर्स को मैंने देखा है, सबकी अलग अलग थियरी है, मैं किसी को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन भाई ये फालतू बात है। मेरे को तो इतना ही लगता है कि ये फालतू बात है, ही रिमेंस को लोकी ने कंट्रोल नहीं किया है।
ठीक है, ही हु रिमेन्स लोकी को कंट्रोल कर रहा था। ही हु रिमेन्स ने समझ लो कि एक तरीके से लोकी को सपना दिखा दिया है, ठीक है, आप ऐसा मान सकते हो कि भाई लोकी ये ले एक सपना, ठीक है, और देख ले सपने में कि मेरे मरने के बाद क्या क्या होता है। तो असल में आप समझ सकते हो कि सीजन 2 में जो कुछ भी हुआ वो लोकी का एक ड्रीम था, एक सपना था उसका, ऐसा मान सकते हो, क्योंकि टाइम स्लिप करके तो उसने सारी चीज़ें अब रीसेट कर दी हैं। और फिर जब लोकी को सब कुछ समझ आ जाएगा तो वो कैंग की जगह ले लेगा, मतलब कि ही हु रिमेन्स की जगह ले लेगा, और फिर उसी तरह से टीवीए चलता रहेगा जैसा कि अभी तक चल रहा था। और देखो सीजन 1 का अगर आपने ट्रेलर देखा है तो उसके अंदर एक शॉट था, सीजन 1 के ट्रेलर के अंदर एक शॉट था कि लोकी से ऐसे सीढ़ी चढ़ता है, एक उसका एक मतलब चेयर रखा हुआ रहता है, एक सिंहासन बना हुआ रहता है जहाँ पे लोकी बैठने के लिए जा रहा होता है। वो सीन हमने उस टाइम पे नहीं देखा था सीजन 1 के अंदर, हो सकता है कि वो सीन हमें सीजन 2 के अंदर देखने को मिले जहाँ पे लोकी नेक्स्ट ही हु रिमेन्स बनेगा, ठीक है। तो असल में लोकी नेक्स्ट ही हु रिमेन्स बन रहा है, लोकी के वजह से ही हु रिमेन्स नहीं बना था, समझे, जो कुछ भी हो रहा है ही हु रिमेन्स के वजह से ही हो रहा है अभी तक। ये कोई आंसर नहीं, आंसर भी है लेकिन एक थियरी है ये, ठीक है। अब ये थियरी आप लोगों को कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यार थोड़ी तबीयत बिगड़ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, अभी रात को शूट कर रहा हूँ। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री कैंग।